मैं डॉक्टर सतबीर सिंह, जॉइंट डायरेक्टर, मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में हूँ। तो सबसे पहले मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट का रोल बताऊँगा कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या है। उत्तर प्रदेश में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी को हम कोऑर्डिनेट करते हैं, और बेसिकली तीन वर्क हैं हमारे मेजर काम। पहला काम तो हमारा है प्लान बनाना, जो भी स्टेट का प्लान है प्लान बनाते हैं, एनुअल प्लान बनाते हैं और फाइव ईयर प्लान बनाते हैं। दूसरा जो है हम फाइनेंस डिपार्टमेंट का जब बजट बनता है तो उसमें हम हेल्प करते हैं। और तीसरा काम है हमारा इवैल्यूएशन का, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि एट प्रेजेंट जो मोबाइल का जो हम यूज कर रहे हैं, अभी हम जो इवैल्यूएशन स्टडी वगैरह करते हैं तो जो बेनिफिशरीज के लिए हम शेड्यूल डिजाइन कर रहे हैं, तो उस शेड्यूल पे बेनिफिशरी का एड्रेस प्लस मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं हम। तो उसका एडवांटेज ये है कि जब हम उसका बेनिफिशरीज के जो डेटा हमारे पास में आते हैं, तो रैंडमली 5% या 10% हम अपने ऑफिस से ही ये डेटा क्लियरिफाई कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई है वो क्या बेनिफिशरी ने दी है या इन्फॉर्मेशन किसी और दूसरे आदमी ने दी है। दूसरा ये है कि जब उस डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास हम जब लेकर जाते हैं, तो अगर कंसर्न डिपार्टमेंट का कोई ऑब्जेक्शन है किसी तरह का कि साहब हमने फॉर एग्जांपल कोई हम स्कॉलरशिप की स्टडी की है, पेंशन की स्टडी की है, तो कहते हैं नहीं साहब हमने तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस मोबाइल नंबर से उसको हम क्लियर भी करा देते हैं उसी मीटिंग में। उनका नाम लेकर के हम पूछ लेते, जानकारी कर लेते हैं कि कोई आदमी आपके पास में आया और उसको आपने क्या क्या सूचना उपलब्ध कराई। तो एट प्रेजेंट चूंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं करता, तो इसलिए अभी जो है SMS का या मोबाइल का यूज हम इतना प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो बस माइनर स्टेज पर जो हम जो भी शेड्यूल्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूज कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो फ्यूचर का हमारा प्लान है प्लानिंग डिपार्टमेंट का, कि अभी जो हम फ्यूचर प्लान बना रहे हैं अपना कि हम इसका मोबाइल का कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए जो क्या हमारा जो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर आदमी है हमारा जो डेटा कलेक्शन के लिए जाता है, अगर उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनवाएं, क्योंकि इवैल्यूएशन स्टडी कोई डेटा कलेक्शन करना काम नहीं है। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर फील्ड में जाएगा उसका मोस्टली जो है ऑब्जर्वेशन काम है, क्योंकि कोई भी बेनिफिशरी से जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इनकम की बात करते हैं, फैमिली मेंबर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो कभी भी वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो हमारा इन्वेस्टिगेटर उसकी फिजिकल पोजीशन देख करके, उसका मकान देख करके, उसकी फार्मिंग देख करके ये कैलकुलेट करता है कि इसकी एक्चुअल इनकम क्या होगी। तो यदि मैं कहूं कि इवैल्यूएशन जो है मोस्टली ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी है, एक डेटा कलेक्शन करना ही हमारा काम नहीं है कि हम डेटा कलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट बनाएं, लेकिन इसके लिए हमने एस्पेक्ट ये लिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारा इन्वेस्टिगेटर ले रहा है अगर वो अपना मोबाइल पर जाकर के वहां फील्ड में अगर फीड करता है इंफॉर्मेशन, और वो हमको इंफॉर्मेशन अगर हेड ऑफिस को फॉरवर्ड करता है, तो जो हमारा टेबुलेशन का टाइम है उसमें हमारी सेविंग होगी। क्योंकि अभी तो ये है कि जो मैनुअली डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं तो फील्ड में हफ्ता 10 दिन फील्ड में रहते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं, उसके बाद हम टेबुलेशन सीट बनाते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं मोबाइल को, तो जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है उस इन्फॉर्मेशन को वो इमीडिएट हमको फॉरवर्ड करेगा, और उसको हम अपने कंप्यूटर में डाल करके उसका टेबुलेशन प्लान बना लेंगे। और जब रिपोर्ट राइटिंग हम अपनी करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन वो कागज़ पर अपनी ले कर आएगा उसको फिर हम यूज उसमें रिपोर्ट राइटिंग में करेंगे। दूसरा यह है कि इस सिस्टम से एक चीज और भी कर सकते हैं जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि अभी हमारा जो डेटा फील्ड इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसका फिर नेक्स्ट ऑफिसर उसका नेक्स्ट विजिट करता है फील्ड का, वो 10% या 20% वो डेटा उसका रीचेक करते हैं। तो अगर ये सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं तो वो चेकिंग का जो काम है अपने ऑफिस से ही बैठ कर सकते हैं। इसके बाद में जो ट्रेनिंग पोर्शन है हमारा, जो ट्रेनिंग डिवीजन है हमारा स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि मेजर जो हमारा एक मॉनिटरिंग डिवीजन है, एक इवैल्यूएशन डिवीजन है, एक ट्रेनिंग डिवीजन है, तो ट्रेनिंग डिवीजन के लिए भी हम एक प्लान अभी बना रहे हैं कि जो भी हमारे ऑफिसर्स आते हैं ट्रेनिंग में, तो उनको हमें बार बार रिमाइंडर भेजना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में कि भाई आपके यहाँ से कितने ऑफिसर्स आएंगे, किस किस लेवल के ऑफिसर होंगे, किस फील्ड के ऑफिसर होंगे। तो अगर हम इस अपना मोबाइल अगर यूज करते हैं तो डायरेक्टली उसे कॉन्टैक्ट हो सकता है।
सेकंड थिंग ये है कि जब ट्रेनिंग लेकर के हमारे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हम उनसे फीडबैक ये ले सकते हैं कि जो भी हमने ट्रेनिंग पोर्शन में आपको टेक्निक्स बताई हैं, मेथोडोलॉजी बताई हैं, वो क्या आपने उनको इम्प्लीमेंट किया गया है या इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो अगर मैं ये कहूँ प्लानिंग डिपार्टमेंट में एट ए ग्लैंस अगर हम बात करते हैं तो एक तो हम अपना डेटा कलेक्शन में इसका मोबाइल का यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग पोर्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड एक चीज अभी निकल के ये आई थी कि हमारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं सब लोगों ने अपनी वेबसाइट अपना एक टोल फ्री नंबर सभी डिपार्टमेंट ने दिया गया है, तो हम अपने प्रमुख सचिव महोदय से एक ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, मैं प्रपोजल भी देंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबका हम कलेक्शन करके नंबर्स का टोल फ्री नंबर कलेक्शन करके और एक अपना प्लानिंग का एक नंबर दे करके हम सबको डिस्प्ले करें। उसका एडवांटेज ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की कंप्लेंट हमारे पास आ रही हैं या लेबर डिपार्टमेंट की आ रही है, किसी भी डिपार्टमेंट की आती है, तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं हम, उसकी कंप्लेंट्स को अपना हार्ड कॉपी में निकाल कर कंसर्न डिपार्टमेंट को बता सकते हैं। चूँकि सभी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग हमारे यहाँ महीने में एक बार जरूर होती है, तो वहाँ उस मीटिंग में भी हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि सर ये कंसर्न डिपार्टमेंट की इतनी कंप्लेंट आ चुकी हैं लेकिन अभी वो कंप्लेंट का कंप्लाइंस नहीं हो पाया है। तो ये एक मेजर हमने इसका प्लान बनाया है, वो मैंने कहा। ये हमारी मेजर एक्टिविटी है प्लानिंग डिपार्टमेंट की, और टाइम सेविंग में जो मैंने भी कहा था, मैम भी अभी मेरे से बता रही हैं कि जो टेबुलेशन की जो हमारी टाइमिंग लगती है, काफ़ी समय लगता है हमारा क्योंकि टेबुलेशन मैन्युअली करना पड़ता है, तो अगर वो डेटा हमें अगर मिलेगा तो हम इस पर टेबुलेशन भी कंप्यूटर पर इजीली कर सकते हैं, टाइम सेविंग भी हमारी होगी। थोड़ा ये समझ नहीं पाई, जो आप हेल्पलाइंस को कंपाइल करने की बात कर रहे थे वो कैसे काम कर रहे हैं? मैम ये था कि जो टोल फ्री नंबर फॉर जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, तो हमारा प्लान ये है कि हम अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट सभी से टोल फ्री नंबर लेकर के अपना एक कॉमन नंबर टोल फ्री ना प्लानिंग का, कोई भी डिपार्टमेंट का किसी को प्रॉब्लम है तो वो नंबर हमारे पास आएगा, उनको हम डिस्प्ले कंसर्न डिपार्टमेंट को भी कर देंगे, तो हमारे पास में एक ये पिक्चर निकल के आ सकती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की एक साल में कितनी कंप्लेंट हुई हैं और उनका कितना कंप्लाइंस हो पाया है। क्योंकि अभी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास नहीं है सारा का सारा रिकॉर्ड कि कितनी उनकी कंप्लेंट हुई है, कितना उन्होंने कंप्लाइंस किया है। जी 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 आपके पास 1090 का नंबर आ गया, इसके ऊपर आपने अपना एक नंबर बनाया मान लीजिए, जी 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 2000 जी जी, तो मैं 2000 पे फोन करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी अगर मुझे 1090 की कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो मैम जो कंप्लेंट आपकी आएगी वो तो 1090 पे आएगी। हाँ। जो कंप्लेंट आप करेंगी वो तो 1090 पे आपकी शो करेगा, ठीक है ना। अब ये हमें ये मालूम है कि 1090 जो बनाया गया किस लिए बनाया गया है, तो क्योंकि अगर वो 1090 की मान लिया 15 दिन या 20 दिन में कितनी हमारे पास में कंप्लेंट हुई और उनका पुलिस डिपार्टमेंट किसी ने भी कितना उसका कंप्लाइंस किया, तो एक जर्नल आइडिया हमारे पास में हो सकता है कितना परसेंट हम ऑन स्पॉट इसका कंप्लाइंस हो पा रहा है। तो फिर मैं प्लानिंग का नंबर क्यों मिलाऊंगी, फिर तो मैं 1090 ही मिलाऊंगी ना। बस एक ये आइडिया का स्टेट लेवल पे एक आइडिया हो सकता है, ये मतलब हमारा प्लान है इस तरह का कुछ। बेसिकली द प्लानिंग डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू डू इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ वट एवर बजट दैट दे हैव गिवन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ वेदर द मनी इज बीइंग यूज्ड करेक्टली और नॉट, सो दैट इज द इंटेंशन फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन for them. So subjective, though, they don't get into subjective, they only get into monitoring and evaluation to the extent that they can check that the money is being used
correctly or not. So the idea of having a common number was actually discussed in a slightly different way, in terms of connecting, coordinating between the department, because the planning department is working with the various other departments in the government, and it's giving their giving budgets for various schemes and programs. So the idea of having a number is so that they can have a direct connection with the coordinating departments in the government. That was the idea, and not really with the at the end. So when we say the beneficiary, it's not the beneficiary exactly in the village. Yes. Yeah. So as a user, I still dial the number for which I want to access the service or whatever. Absolutely. The planning department has basically to do with the money allocation for the government. You know, money allocation for different programs and departments in the government. So they need to just keep checking that if they have, for example, given 1 crore rupees to one department for a certain program, the money is being used correctly. So for that, they need to do their own monitoring and evaluation, which stands above all other monitoring evaluation reports which are also made. So the department specific will also make a monitoring and evaluation report, but the planning department will also do their own monitoring evaluation to recheck if everything is all right. And one more thing. In addition to Suchi ma'am, what we are trying to do here is to make a common toll fee number for a citizen, and this toll fee number should be disseminated to all the citizens. When they want some schemes to be get informed, they can call on this number and then dial. Say he wants any scheme about education or for health or for say pension or whatever it is, they can dial 1, 2, 3. It will redirect it to the helpline numbers of that. So this is more like a information dissemination, scheme dissemination platform for the common citizens. One number for everything. This is the way we actually use. Yes, good actually. One number. Single window. Yes, yes. Single window for. We need to know all the numbers of different departments. We need to know one number. Thank you then, because I don't see any other hand coming up. Thank you, sir. Sir, immediate next steps you are giving the sponsor to the planning institute before. But immediately after. जो मैम, अभी हम डेटा कलेक्शन के लिए हम जाते हैं फील्ड में, डेटा कलेक्शन के लिए. तो अभी चूंकि सारा का सारा ऑन पेपर डेटा कलेक्शन है, तो हम अभी मोबाइल के थ्रू जो डेटा कलेक्शन है, उस डेटा को जो है हम फॉरवर्ड करेंगे फील्ड से. जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो इमीडिएट फॉरवर्ड करेगा हमारे डायरेक्टरेट के लिए. इस स्टेप को हम अपने डिपार्टमेंट. जी 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 जी, आई विल ऐड समथिंग टू दैट. हमने ये कोशिश की, एक देर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ई अनुश्रवण विच वी आर रनिंग इट इन उन्नाव. उसमें यही कर रहे हैं, एक पूरा गांव का इतना भी लाभार्थी है, उसका नाम, उसका नंबर सारे फीड हो चुका है. हमने एक महीने ट्रायल भी कर चुके हैं, जैसे रोड बन रहा है, उसका पेंशन गया नहीं गया, और आपका हैंडपम्प चल रहा नहीं चला. वी ऑल्सो हैव इट ऑन एन मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, कम्प्लीटली मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन. वील डू एन ट्रायल वेरी सून. इट्स कॉल्ड ई अनुश्रवण. वी हैवन इट्स द डेटा कम्स डायरेक्टली टू द सेंट्रल प्लेस. And the field data is collected through a mobile device. And we have already done it. Ek mahine ka trial bhi ho chuka. Second thing is, the planning department is also developing a mobile-based application to promote transparency. Aapka pata hai kitna budget aapne diye hai, but field level tak wo pata nahi chalta. So isliye humne ek kiya, ek mobile API bhi ban raha hai with the help of CDAC to disseminate. And they also have a website. Aapka website link hai? Sir, link hai planning mein. Haan, wo dikha dijiye. Sir, evaluation. So, inka website hai, we'll connect this website to a mobile. So labor तैयार हो जाए. Let's see your fruit of labor that you did here.